लोगों को यह समझ है कि जिस रास्ते पर आप पिछले 50 साल से चल रहे हैं, इस रास्ते पर चल के तो आपका भला नहीं हो सकता है। पिछले 50 साल में बिहार में 27 अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बने हैं। अगर ये इस रास्ते पर चल के भला होना होता तो कोई ना कोई सुधार देता। कुछ लोग को लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, नेता अच्छा नहीं है, इसलिए बिहार में विकास नहीं हो रहा। ये बात भी गलत है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, सब राज्य में भ्रष्टाचार है। सब राज्य में जितने नेता है वो सब बिहार से बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो आखिर बिहार की ये दुर्दशा क्यों है, इसको पहले समझिए। जब तक आपको रोग के कारण का पता नहीं चलेगा तब तक रोग का इलाज नहीं हो सकता है। बिहार में जो हम लोग की दुर्दशा है उसके मूल में कारण ये है कि पूरे दुनिया में जो विकास लोगों ने, विद्वानों ने बताया, गरीबी से बाहर निकलने के तीन ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपके बाल बच्चे पढ़ लिख जाए तो आप अपना जीवन और बच्चों का जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास जमीन है तो खेती करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन नहीं है लेकिन पैसा हो, तो फिर दुकान दौरी रोजी रोजगार करके भी अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार में रहने वाले ज्यादातर लोगों के लिए ये तीनों में तीनों दरवाजा बंद है।